हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, माफ़ करना, रिबूट मारा इस चैनल को। और इस चैनल में आपको मैं बेसिक टेक सिखाने वाला हूँ, जिनको नहीं पता, मतलब मैं जो भी टेक स्टार्टिंग होती है वो सब यहाँ पे सिखाऊंगा। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ डिस्प्ले। डिस्प्ले बेसिकली चिड़िया, कौन सी चिड़िया और किस चिड़िया का नाम डिस्प्ले है। डिस्प्ले बेसिकली होता क्या है, जैसे आप देख सकते हैं मॉनिटर के ऊपर जो स्क्रीन लगी होती है ना, उसको हम टेक की लैंग्वेज में डिस्प्ले कहते हैं, या फिर फ़ोन के ऊपर जो स्क्रीन लगी होती है उसको भी हम डिस्प्ले कहते हैं। डिस्प्ले बेसिकली ये चीज़ है कि भाई हम उस पर कॉन्टेंट जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एनी प्रोसेसिंग पावर। उसमें वो प्रोसेसिंग पावर होती है, उसके बजाय हम कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं विद द प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, सारे टर्म्स एक्सप्लेन होंगे, डोंट वरी। तो ये होती है डिस्प्ले बेसिकली कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। अब यार डिस्प्ले जो होती है ना, उसके जो है बेसिकली टाइप्स भी होते हैं। डिस्प्ले ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही टाइप की डिस्प्ले है, आपको डिस्प्ले के अलग अलग टाइप्स भी देखने को मिल जाते हैं। एक ही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि डिस्प्ले के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है डिस्प्ले का वो है IPS LCD, सेकंड है SAMOLED यानी कि सुपर AMOLED, थर्ड है AMOLED और फोर्थ है TFT और फाइव है OLED। अब इनकी फुल फॉर्म्स जो है वो आप गूगल कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो बात है वो है IPS LCD। ये जो डिस्प्ले होती है ये चीप डिस्प्ले होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं पर चीप होती है, और ज़्यादातर ब्रांड इसको यूज़ करते हैं बिकॉज समझ सकते हो ना, चीप होती है। एंड इसके अंदर जो है एक बैकलेट लगी होती है पीछे, जो आपके कंटेंट को देखने में हेल्प करती है, जो पावर जो है वो एक बैकलेट लेती है। सेकंड होती है SAMOLED, जो आप एक तरह से AMOLED का बड़ा भाई है। AMOLED एक्सप्लेन करता हूँ ना पहले। तो यहाँ पे जो थर्ड डिस्प्ले होती है वो होती है AMOLED। एंड जो AMOLED डिस्प्ले होती है ना दोस्तों, बेसिकली जो AMOLED डिस्प्ले होती है वो जो डिस्प्ले है उसके अंदर ये होता है कि जैसे जो लाइट्स होती है, जो कलर्स होते हैं, जो आपका जो कलर गैमेट होता है वो ब्लैक जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से दिखते हैं AMOLED के ऊपर। एंड ये जो होती है ये इसका एक सेपरेट पिक्सल होता है, जब जरूरत है वो तब पिक्सल एक्टिवेट होगा। IPS की तरह नहीं कि भाई हर चालू टाइम हर टाइम चालू रहे, ऐसा नहीं होता, उनका अलग से एक्टिवेट होता है। उसके बाद आती है TFT, एंड ये बहुत ही ज़्यादा चीप होती है इसलिए बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ये फिल्म ट्रांजिस्टर का यूज़ करती है जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, तो उसके थ्रू कंटेंट दिखाती है। एंड OLED डिस्प्ले सबसे बेस्ट होती है, सबसे कॉस्टली डिस्प्ले होती है, एंड इसमें आपको क्या कहते हैं बेंड भी हो सकती है ये। उसके बाद जो है दोस्तों डिस्प्ले के अंदर रेजोल्यूशन भी आता है, पर वो टॉपिक को मैं किसी और टाइम एक्सप्लेन करूँगा, पिक्सल्स क्या होता है उसके साथ। तो यही था भाई आज की वीडियो में, तो यही मैं आपको एक तरह से बेसिकली आपको स्टार्टिंग से पूरा टेक की जो चीज़ें वहाँ आपको सिखा रहा हूँ, तो भाई आपको समझ आ जाएगा कि भाई बेसिकली टेक के अंदर फील्ड क्या है, प्रोसेसर क्या होता है, रैम स्टोरेज क्या होता है। तो यही था आज के लिए, ये पहला टॉपिक था, सेकंड टॉपिक बहुत जल्दी आएगा। तो अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई हो, ये मेरा थोड़ी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो डिस्प्ले के ऊपर, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जो बिल्कुल न्यूबी हैं टेक के अंदर, उन्हें टेक की नॉलेज लेनी है, तो उन लोगों को आप इस वीडियो को जरूर से शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे जाके जैसा मैं कंटेंट लाऊं आप उसको मिस ना कर दें। तो मैं मिलता हूं आपसे नई वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।